मेरे घुट में भी मसल पेन आ गया और शोल्डर में भी मसल पेन आ गया। सो रात को तो मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो भाई मेरा तो बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे इतनी पेन हो रही थी, काम हो ही नहीं पाया। तो भाई मेरा तो बहुत मुश्किल हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। आस पड़ोस वाले जैसे बता देते हैं कि वहाँ पे है एक बाबा जी, उनके पास जाइए। सो मैं मम्मी के साथ किसी बड़े डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने बोला कि आपके एक्सरे किए जाएंगे। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे से गर्दन ऐसे भी नहीं होती थी। बहुत बुरा हाल था, रातों को नींद भी नहीं आती थी, सो भी नहीं पाता था अच्छे से मैं। हाय, माय नेम इज़ जसविंदर सिंह। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ डेयरी फार्मर। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 28 भैंसे हैं और 10 12 गाय हैं। शुरू से ही पंजाबी जैसे सरदार हूँ, हमें काम करने का शौक़ है। अपने डेयरी फार्म में मैं खुद भी वर्कर्स के साथ काम करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। सो मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया जाए। सो उनको मैं बाहर निकालने लगा। उनमें से एक को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी, उसको जैसे ही उसकी मैंने जंजीर खोली, बाहर तेज़ी से भागी और वो जंजीर मेरे हाथ में लिपट गई। जैसे वो मेरे हाथ में लिपट गई तो मुझे झटका लग गया, तो मेरे घुट में भी मसल पेन आ गया और शोल्डर में भी मसल पेन आ गया। और ये तब तो इतनी गर्मी गर्मी में कुछ पता नहीं लगा। काम किया, सप्लाई की, घर में गया, मम्मी को बताया कि आज ऐसे बात हो गई मम्मी। तो मम्मी ने मुझे रात को दूध हल्दी दे दी, जैसे घर में नुस्खे करते हैं, और उसके बाद एक पेन किलर दी और मैं सो गया। सो रात को तो मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो भाई मेरा तो बहुत बुरा हाल था। इवन के मेरे से ब्रश भी नहीं किया जा रहा था। जैसे तैसे मैंने मुश्किल से ब्रश किया, पगड़ी बांधी और डेयरी चला गया। डेयरी चला तो गया, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं हुआ। जैसे ही मैं धार निकालने के लिए बैठा तो मेरे यहाँ पे इतनी पेन हो रही थी, काम हो ही नहीं पाया। सो मेरे फादर साहब ने बोला कि जसविंदर तू मत काम कर। काम के बाद ना तो उस दिन मेरे से कॉलेज जाया गया और ना ही कुछ और काम हुआ। सो हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर हैं, जैसे होते हैं ना फैमिली डॉक्टर, उनके पास मैं गया। उन्होंने मुझे पेन किलर दी और बोला कि 4 घंटे के बाद तू ये खा ले और ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने किया, 4 घंटे के बाद खाई, चार खुराकें थी वो, तो मैं खाता रहा। जैसे जैसे खाता था ठीक होता रहा, लेकिन जब वो 4 खुराकें ख़त्म हो गई, उनका असर गया, तो फिर से पेन शुरू हो गया। तो भाई मेरा तो बहुत मुश्किल हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मम्मी ने बोला कि आस पड़ोस वाले जैसे बता देते हैं कि वहाँ पे है एक बाबा जी, उनके पास जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मम्मी के साथ मैं उस बाबा जी के पास चला गया। और बताऊँ, जब मैं बाबा जी के पास गया तो मैं अपने बुलेट से जा रहा था, तो जैसे ही रास्ते में कोई टोआ खड्डा आ रहा था तो भाई मेरा फिर से घुट हिल जाता था, शोल्डर हो जाता, इतना पेन हो रहा था। मम्मी को बोला, मम्मी मेरे से बाइक नहीं चल रहा, आप कुछ और किए, चाहे ऑटो में चले। तो जैसे तैसे लेकर मैं ले गया मम्मी को बाबा जी के पास। तो बाबा जी ने मेरी मालिश की और उन्होंने बता दिया कि ये भाई खा ले तू, 1-2-4 खुराकें खा ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊँ, मेरा कुछ असर नहीं पड़ा उससे। सो मैं मम्मी के साथ किसी बड़े डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने बोला कि आपके एक्सरे किए जाएंगे। जब उन्होंने एक्सरे किए तो उन्होंने 3 एक्सरे किए, एक रिस्ट का एक्सरे किया, एक शोल्डर का एक्सरे किया और एक नेक का एक्सरे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नेक के पीछे जो मनके होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई है और नेक के सारे मनके हिल चुके हैं। सो उन्होंने मुझे इकट्ठी दवाई दे दी और फिर बोला कि 10-15 दिन के बाद आके चेक कराइए। मैं उनको लगातार 1.5 महीना चेक कराता रहा। जब तक उनकी दवाई खाता था तब तक मैं ठीक रहता था। एक बार क्या हुआ, मैंने अब किसी फ्रेंड के कहने में आकर 3-4 दिन दवाई नहीं खाई, तो क्या हुआ कि फिर वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे से गर्दन ऐसे भी नहीं होती थी। हल्का सा टर्न करना पड़ता था, इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि किसी ने पता नहीं क्या चाकू छुरी मार दियो, इतनी ज़्यादा पेन होने लग गई थी। तो बहुत बुरा हाल था, रातों को नींद भी नहीं आती थी, सो भी नहीं पाता था अच्छे से मैं। एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर किया, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल। उसने बोला कि इसकी वीडियोस चेक करो। जब मैंने वीडियोस चेक की तो उसमें अलॉट नंबर ऑफ वीडियोस थी, तो उसमें सभी यही बताया गया था कि जितने भी पेशेंट्स उनके पास गए हैं सभी सही हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे भी जाना चाहिए, जहां मैं इतने दर दर भटक रहा हूं, मुझे आराम नहीं मिल रहा, तो क्यों ना डॉक्टर शारदा के पास एक बार जाया जाए। सो जब मैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैंने कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर शारदा मैम की
तीन महीने दवाई खाई। सो तीन महीना दवाई खाने के बाद आज मैं फिज़िकली पूरी तरह से फिट हूँ। मेरे कोई गर्दन में पेन नहीं है, इवन कि मैं अपने जिम में अच्छी तरह से वर्कआउट कर पा रहा हूँ, अपने डैडी का काम अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सो डॉक्टर शारदा जी मेरे लिए तो एक चमत्कार जैसे ही है, क्योंकि मैं दर दर भटक रहा था। जिसको दर्द होता है उसी को पता लगता है कि वो दर्द कैसा है, मतलब जान निकल जाती थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर शारदा के पास गया, उनके हॉस्पिटल में मेडिसिन ली, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सो मैं इस वीडियो के रेफरेंस से अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जिम में भी वेट करते समय कई बार मसल हिल जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो एक बार डॉक्टर शारदा के पास जरूर आएँ। डेफिनेटली आपको डॉक्टर शारदा मैम की दवाई से आराम मिलेगा। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे तीन महीने के अंदर रिकवर कर दिया।